नमस्कार दोस्तों, बैंक निफ्टी के एक और एनालाइज वीडियो में आपका स्वागत करते हैं। देखते हैं कल का क्या मोमेंटम रहेगा, आज से क्या एक्सपेक्टेड। देखो, आज के लिए मार्केट, मैंने आपको कहा था कि मार्केट अगर थोड़ा गैप अप दिखाई दे आपको और ये तो मार्केट वापस से घूम सकता है ट्रेप करते हुए। मार्केट ने घुमा नहीं, मार्केट करीबन 2 से 3 घंटे ऊपर ठहरा। चैनल के अपर पोर्शन को टच करके प्राइजेक्शन बनाते हुए नीचे की साइड आया। अब ये प्राइजेक्शन आपको देखने के लिए, देखो यहाँ पे काफ़ी मौका मिला है। और अगर आप 1 मिनट पे आओ, देखो एक तो चैनल का सहारा मिल रहा था, एक यहाँ पे रेसिस्टेंस भी आ रहा था। ठीक है, ये रेसिस्टेंस पीछे से लेके जहाँ गैप फिलिंग हुई है, गैप फिलिंग वाला रेसिस्टेंस। और अगर आप इसे 1 मिनट पे देखते हो दोस्तों, तो यहाँ प्राइजेक्शन बना, मार्केट इस लेवल पे पहुँचा है, तुरंत नहीं गया, ये टाइप का बनाया है। ऊपर की साइड मार्केट गया, ऊपर भी सस्टेन किया दोबारा मार्केट ने, फिर से ट्रेप किया। और ट्रेप करने के बाद अब नॉर्मल बिहेवियर दिखा के क्लाइमेक्स के साथ नीचे की साइड में आया, ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट करने के बाद में भी नीचे आया, तो मौके मार्केट ने दिए हैं आपको सेल करने के लिए। देखो, अगर हम देखें कि कौन सा मौका सही हो सकता था सेलिंग की दृष्टिकोण से, अगर इस जगह देखें, ये एरिया मार्केट पहली बार पहुंचा है, इसके बाद में मार्केट ने इसको ब्रेक किया। यहाँ तक तो हम बीओ स्ट्रक्चर देखते हैं, ठीक है। उसके बाद में मार्केट को हम देखें तो ये वाला एरिया भी मार्केट ने ब्रेक किया। अब यहाँ से जब मार्केट ने ये एरिया स्पेस बना के ऊपर की साइड ब्रेक किया, तो हमें अब नॉर्मल बिहेवियर देखना पड़ता है। यहाँ हमें अब नॉर्मल बिहेवियर नहीं मिला, यहाँ के आसपास अब नॉर्मल बिहेवियर बना, आप यहाँ के आसपास एक ट्रेड ले सकते थे और वो ट्रेड आपको कॉस्ट के आसपास जाती, इसी जगह के ऊपर 2-5 पॉइंट का नुकसान देती। दोबारा से आप ट्राई करते, ये वाला एक जोन बना, उसके बाद में नीचे जाने के बाद जब दोबारा चांस दिया, तो ये अब नॉर्मल बिहेवियर मार्केट ने दिया जिसमें ये लेवल ब्रेकआउट दिखाया। तो एक चांस आपका यहाँ बनता, एक चांस दोस्तों यहाँ बनता, और ये चांस आपका सक्सेस हो जाता। और अगर ये भी आप मिस करते तो फिर ये वाला चांस आप ले सकते थे जो कि रीटेस्टिंग पे आपको मिलता है, ठीक है, जिसमें फिर वो भी आपको नजर आएगा, एरो एंगल एंट्री भी नज़र आ जाएगी। ठीक है, ये था आज का अपना हिसाब किताब, क्योंकि यहाँ से मार्केट के पलटने के आसार बनते हैं, क्योंकि अपना जो चैनल बन रहा था उस चैनल का एक रेसिस्टेंस आ रहा है, और रेसिस्टेंस के आसपास ही दो रेसिस्टेंस आ रहे हैं, एक तो फेस आ रहा है, एक चैनल का रेसिस्टेंस आ रहा है, तो मार्केट रिएक्ट करने के ज़्यादा आसार है और मार्केट वहाँ रुका है। ठीक है, तो अभी के लिए हम मार्केट में नियर बाई क्या देख रहे हैं, कल के लिए क्या देख रहे हैं। देखो, मार्केट वापिस से नीचे की साइड आया है, ये जो प्राइस एक्शन इस रेंज में बना के फिर ये ऊपर निकला, अब मार्केट पूरा का पूरा ए शेप रिकवरी करके आया है इस एरिया को। तो मार्केट कुछ समय नीचे ठहर सकता है, या एक रेंज का मार्केट, या नीचे की साइड यहाँ तक का मार्केट ट्रेपिंग करते हुए इसी रेंज में, यानी नीचे वाले पोर्शन में मार्केट रह सकता है। ठीक है, अभी के लिए हम जो प्लेसेस देखेंगे, एक प्लेस तो यही रहेगा जहाँ से एक रिट्रेसमेंट मिल सकता है, उसके बाद ज़्यादा ऊपर का रिट्रेसमेंट हम नहीं देखेंगे, उसके बाद मार्केट आपको नीचे की साइड दे सकता है। अगर नॉर्मल खुलता है और वापस चेजिंग करता है, तो यहाँ से एक रिट्रेसमेंट आपको दिखाई दे सकता है, क्योंकि नियर बाई एक अच्छा रेसिस्टेंस है, इस रेसिस्टेंस का रिएक्शन होना ज़रूरी है, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग रिएक्शन है दोस्तों। इस रिएक्शन को अगर देखते हैं तो ये स्ट्रॉन्ग रिएक्शन है, ठीक है, इस जगह मार्केट को रिएक्ट करना पड़ेगा। अगर मार्केट न्यूट्रल भी खुले या थोड़ा सा गैप डाउन खुले, तो यहीं से रिएक्ट करते हुए एक पोर्शन ऊपर की साइड में, फिबो तक तो नहीं जाना चाहिए, लगता है यहाँ तक मार्केट, इस लेवल तक मार्केट आ जाएगा। यहाँ के बाद वापस से मार्केट एक गिरावट दे सकता है और इस एरिया के ट्रेपिंग के आसपास मार्केट रुक सकता है। तो चैनल को फॉलो करते हुए, इस चैनल का ध्यान रखो, इस चैनल को फॉलो करते रहो, इस चैनल के आसपास के प्राइस एक्शन जो होंगे वो इम्पोर्टेंट आपके लिए बन जाएंगे, और उन्हीं प्राइस एक्शन के ऊपर आपको बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखनी है। यहाँ के आसपास एक क्विकली आपको अगर मिले कोई सेटअप, तो आप बाइंग देख सकते हो। ऊपर की साइड से आपको, देखो ये अच्छी रेंज है, अगर हम इसको 1-15 मिनट पे देखेंगे, तो 15 मिनट के आसपास आप इसी एरिया में एक बाइंग देख सकते हो, अगर मार्केट अपॉर्चुनिटी देता है ऊपर के डायरेक्शन में आता, तो यहाँ के आसपास मार्केट में इस लेवल के आसपास जो कि फिबो के आसपास है, इस लेवल के आसपास एक सेलिंग की अपॉर्चुनिटी देख सकते हो। उसके बाद में मार्केट वापस से रिएक्ट करते हुए नीचे की साइड आएगा, तो अगला जो नेक्स्ट लेवल आएगा दोस्तों, वो लेवल आप यहाँ से कवर जोन करते हुए यहाँ का ले सकते हो, और चैनल को फॉलो करते हुए ये वाला लेवल जो 33,450-60 के आसपास है, वो लेवल नीचे की साइड का, ये लेवल यहाँ के आसपास का लेवल,
एक यहाँ पे भी हम फेस बना सकते हैं, ये सारे के सारे फेस बैरियर बनेंगे, इस प्राइस एक्शन की भी एक वैल्यू रहेगी और ये ऊपर वाले। तो इन प्राइस एक्शंस पे आपको बाइंग के ट्रिगर मिल सकते हैं, यहाँ पे बाइंग का ट्रिगर, यहाँ पे बाइंग का ट्रिगर मिल सकता है, यहाँ पे अच्छा वाला बाइंग का ट्रिगर मिल सकता है, क्योंकि मार्केट में इस जगह चैनल का सपोर्ट भी मिलने वाला है और एक ट्रिपिंग भी बनेगी, ठीक है, नीचे के एंगल से। जैसे अगर हम यहाँ ट्रिपिंग देखते हैं तो ये एरिया ब्रेक होना, ठीक है, और फिर ऊपर की साइड निकलना, तो ये एक ट्रिपिंग भी बन सकती है दोस्तों। और यहाँ बाइंग होगी, यहाँ बाइंग होगी, यहाँ भी बाइंग हो सकती है क्विकली, अगर 15 मिनट F15 में अगर आपको सही एंगल दिख जाए तो यहाँ से भी एक बाइंग आपको 50 तक की नज़र आ सकती है, जिसमें ये लेवल और ये लेवल के आसपास इसके बीच तक मार्केट आपको आ सकता है। यहाँ से आपको एक सेलिंग की अपॉर्चुनिटी, बाकी कोई बाइंग की अपॉर्चुनिटी नहीं दिखाई देगी। अगर मार्केट दोस्तों गैप अप भी खुले तो भी आप एक बार बाइंग के लिए अवॉइड करोगे, मार्केट अगर गैप डाउन खुल जाए तो सेलिंग के लिए वेट करोगे, और सेलिंग अभी तुरंत नहीं करोगे, क्योंकि तो मार्केट कहीं ना कहीं हाई एक्सपेक्टेड होके एक रेंज बनाने का कर सकता है कोशिश, तो वो रेंज यहाँ के आसपास बनके रह सकती है। उसी हिसाब से हम कल के डे को रिएक्ट करेंगे। थैंक यू दोस्तों।